यस जेईई एंड नीट की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, मेरे पास इस समय जो ऑनलाइन फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है वो वेव अपने अंतिम भाग की ओर है। एक जैसे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कॉन्सेप्ट सारे बेसिकली वही हैं जो बताए गए हैं, एक नया रूप है, एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी लिख दिया गया है। ए स्टेशनरी वेव, आप जानते हैं स्टेशनरी वेव, एक जाने वाली वेव और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव, जो रिजिड एंड से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है और ओपन एंड से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, के सुपर इंपोजिशन से बनती है। ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड बाय टू हार्मोनिक वेव्स, दो इक्वेशन दे रखी है, ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रिंग, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है, यानी मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन, फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन वन वाइब्रेटिंग सेगमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स ऑन द स्ट्रिंग, दो एडजेसेंट नोड्स, इसी बीच में एक वाइब्रेशन होता है, नोड नोड, इसकी बीच में कितनी एनर्जी, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, यह आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हर पार्टिकल SHM करता है, पहले ये इक्वेशन निकाली जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बन रही है इन दोनों के सुपर इंपोजिशन से, पहले ये निकाली y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन टू वाई टू रहा होगा लिखा नहीं होगा, वाई वन प्लस वाई टू, ए कॉमन आ जाए, वाई वन वाई टू वैल्यू पुट करोगे तो ए कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा, शॉर्टकट पर देखिए, साइन दिस प्लस साइन दिस, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो केवल के एक्स बचेगा, ओमेटी कट जाएगा, के एक्स प्लस क्या टू के एक्स अपॉन टू और कॉस C माइनस डी अपॉन टू, तो C माइनस करोगे तो कैस कैस कैंसिल हो जाएगा और माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा टी अपॉन टू, तो माइनस कॉस के अंदर रहता तो प्लस हो जाता है ओमेगा टी, ओके, टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी cos omega t, omega को हम लिखते हैं 2 pi upon t, 2 pi upon t into t, और केवल लिखते हैं 2 pi upon lambda, x तो है ही 2 pi upon lambda, हाली k उसने खुद क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए k हम k ही रहेंगे, ठीक है, 2 pi upon lambda मत लिखिए, k क्वेश्चन में दे रखा तो उसी फॉर्म में ओमेगा भी उसने रखा है तो ओमेगा भी चेंज मत कीजिए, ओमेगा टी रहने दीजिए उसको, ठीक है, ओमेगा, क्योंकि ये पैरामीटर्स उन्होंने क्वेश्चन में दिए गए हैं तो इसी फॉर्म में काम कीजिए। तो प्यारे बच्चों वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, टाइम के साथ वेरी फैक्टर ये है और ये एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है, तो ये बता रहा है कि अलग अलग डिस्टेंसेस पर एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर टाइप का हो गया। अब ये देखिए कि आप यहीं से अगर स्टार्ट करते हैं तो इतने गैप और ये गैप होता है लैम्डा बाई टू तक कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, ये आपको फाइंड करना है, किसी एक पार्टिकल को पकड़िए जो एक्स डिस्टेंस पर हो, एक्स डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल पकड़िए
जो dx लेंथ में हो, कंसीडरिंग ए एलिमेंट ऑफ लेंथ dx सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन एलिमेंट हर पार्टिकल SHM कर रहा है, ये आप जानते हैं। SHM करते हुए टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये भी आप जानते हैं। रो होती है या आप एलिमेंट की निकाल रहे हैं ना कि यहां से यहां तक की, केवल एक एलिमेंट की निकाल रहे हैं आप। हाफ एम और बी स्क्वायर हुआ करता था ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैक्सिमम लेवल बन जाता था ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती थी और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी, दोनों को ऐड करके वाई कैंसिल हो जाता था, ये टोटल एनर्जी हुआ करती थी मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट में बस, ठीक है इतनी है। मास कितना है उसका और एम्पलीट्यूड कितना, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है। यहां से आपको एक रास्ता इस क्वेश्चन को करने का मिल जाएगा। देखिए मास कितना है इसका, इस एलिमेंट का म्यू है यूनिट लेंथ का, तो डीएक्स लेंथ होगा म्यू डीएक्स, ये तो क्या मास, ठीक है। ओमेगा इज गिवन इन क्वेश्चन, ओमेगा स्क्वायर, रही बात एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है आपका 2a sin kx होल स्क्वायर, इंडिकेट कर दोगे तो x की वैल्यू जीरो से लेकर लैम्डा बाय 2 तक हो तो टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगी बस, दैट्स ऑल। अलग टाइप का क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन, सारे फिजिक्स में आसानी होते हैं, तो आप यहां तक नोट करेंगे पॉज करके, जब कभी दोबारा देखेंगे इसको, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मुझे ऊपर से दोबारा करना पड़ेगा, ये तब तो आपके उसमें आ ही रहा अच्छी तरीके से। वैसे एक लाइन और आ सकती है, एक लाइन और नोट कर लीजिए। हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर डी एक्स बचा हुआ, फोर ए स्क्वायर और ये बचा साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स, ओके टू टू या फोर और टू साइन स्क्वायर को हम चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर को हटाने का तरीका होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स है। तो यहां देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बाद से। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स ई इज इक्वल टू, तो जी इंटीग्रेट कर देंगे म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर को लिख दीजिए वन माइनस कॉस टू ओमेगा के एक्स, टू के एक्स टू वैसे देखिए दूसरे को देख रहा था के वन माइनस कॉस टू के एक्स इज टू साइन स्क्वायर के एक्स, टू साइन स्क्वायर के एक्स, ठीक है ओमेगा सी हो गया टू से साथ आइए उसका फॉर्मूला लगा दिया एंड डी
लिमिट देखिए कहां कहां से कहां तक लेंगे, जीरो टू लैम्डा बाय टू, ठीक है, टू पाई अपॉन लैम्डा को के लिखता है, तो पहले आप लिखते हैं लैम्डा बाय टू, अभी इसी इक्वल टू करते हैं लैम्डा बाय टू इज पाई अपॉन के हो जाएगा, पाई अपॉन के, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू टू पाई अपॉन के रखोगे तो टू बढ़ जाएगा पाई अपॉन के आ जाएगा। ये आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गई, बस इसको सॉल्व कर लो, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसका एक्स हो जाएगा और कॉस का साइन 2kx अपॉन 2 और 0 टू पाई बाई के म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पाई बाई के रखिए पाई बाई के माइनस यहां पाई बाई के रखोगे तो k कट जाएगा और 2 पाई साइन 2 पाई वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस अब 0 रखे ये भी जीरो हो जाएगा, ये साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, ठीक है। तो जी ये एनर्जी आ गई आपके पास म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और बचता सिर्फ पाई अपॉन के, पाई अपॉन के सारे पैरामीटर्स वही हैं जो क्वेश्चन ने गिवन है, सो दिस इज द आंसर, ओके।